दोस्तों, वेलकम टू अभी सपोर्ट अड्डा। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक सेटिंग के बारे में, जिस सेटिंग का यूज़ हर कोई करना चाहता है बट उसे पता नहीं चलता है कि सेटिंग मैं कैसे कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जानेंगे उस सेटिंग के बारे में अपने मोबाइल स्क्रीन के थ्रू। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ नेटवर्क स्पीड के बारे में सेटिंग की जानेंगे हम, जिससे हमारा नेटवर्क स्पीड स्लो होता है ऊपर में। जो आप नेट यूज़ करते हो उससे आपका पता चलता है कि आपका नेट स्लो चल रहा है या नेट आपका फास्ट चल रहा है। तो वही सेटिंग के बारे में जानेंगे, आपको सेटिंग को कैसे इनेबल करना है, कैसे सेटिंग को विजिबल करना है आपके फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो या पहले से आ रखे हो या अभी अभी आए हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी हमारा अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने मोबाइल स्क्रीन पर, देखते हैं वो सेटिंग क्या है। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हैं, कुछ भी हमारा कनेक्शन स्पीड जो है शो नहीं हो रहा है, नेट हम कितना यूज कर रहे हैं, मेरा नेट का स्पीड क्या है, यह सब कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे वो कैसे शो होगा और कैसे इनेबल होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले अपने सेटिंग के ऐप में। और सेटिंग में जाने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अबाउट फोन सिस्टम अपडेटेड, बहुत सारे सेटिंग्स हैं। तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले में आना है, और डिस्प्ले में आने के बाद हम नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे में दिखेगा एक कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन, आपको सिंपली इस पर टच करना है। और टच करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सो कनेक्शन स्पीड का आपका ऑप्शन दिख रहा है। कनेक्शन स्पीड जैसे आप ऑन करोगे, आपका जो कनेक्शन स्पीड है वो आपको शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कनेक्शन स्पीड है वो शो हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हमारा कनेक्शन स्पीड शो हो रहा है 0.9 KBs वगैरह, जो भी हमारी स्पीड है नेट की वो शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा फ़ोन है ये Redmi Note 7 Pro फ़ोन है, और ये जो सेटिंग है आपके हर Redmi सीरीज़ और MI के सीरीज़ में अवेलेबल होती है, सेम यही सेटिंग होती है सभी MI फ़ोन्स में और सभी Redmi के फ़ोन्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi फ़ोन के यूज़र हो या MI फ़ोन के यूज़र हो तो आप ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दूसरे फ़ोन के यूज़र हो फिर भी आप में सेटिंग अगर ये होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली ये सेटिंग हर फ़ोन में होती है और सिंपली इसी तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इसी तरह के मज़ेदार और अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।